अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हम लोग भाई यहाँ पे जा रहे हैं सहरसा पार्टी के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी अरसे से यू नो वीकेंड पे बाहर नहीं गए थे। हर वीकेंड पे बाबा को कहीं जाना होता था या फिर कुछ ना कुछ मसरूफियत होती थी, एंड हम लोग काफ़ी वीकेंड से यू नो बाबा को बोल रहे थे कि हम लोग कहीं जाते ही नहीं है। आज फाइनली हम लोगों ने बाबा से बहुत ज़िद्द की एंड हम लोग यहाँ पे चल चुके हैं अपने वीकेंड को एंजॉय करने पार्क में। एंड यहाँ पे भाई हम पार्क पहुँच चुके हैं, जब तक मैंने बातें की तब तक पहुँच भी गए। एंड यहाँ पे भाई मामा पहले जा रहे थे, एंड देन यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे जो कि अपनी साइकिल्स एंड स्कूटीज़ लेके आए हुए थे और फुटबॉल वगैरह। यहाँ पे एक्चुअली ना इस पार्क के पीछे ना एक कोर्ट था, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल, आई डोंट नो, शायद फुटबॉल कोर्ट था, तो वो भी था यहाँ पे। एंड काफ़ी बड़ा पार्क था, एंड साथ में यहाँ पे झूले वगैरह भी थे, तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस जगह को एंड बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। तो मतलब काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे, काफ़ी रश था यहाँ पे एक्चुअली, कि ऑब्वियसली हम लोग गए भी थे संडे के दिन थे तो हर कोई निकला हुआ था। जैसे हम लोग निकले हुए थे, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, एंड कुछ लोग अपना पिकनिक का सामान भी लेके आए हुए थे, खाना वगैरह। सो या एंड यहाँ पे भाई मेरे भाई झूला झूल रहे हैं, तो हम लोग भी झूला झूल रहे थे। बस यही एक इकलौता झूला था जिसके लिए हमें लाइन नहीं लगानी पड़ी थी, तो बाकी सारे झूलों के लिए लाइन लगानी पड़ रही थी क्योंकि इतने लोग थे वहाँ पे। एंड यहाँ पे मम्मा ने थोड़े से यू नो इवनिंग स्नैक्स ले लिए थे, ऐसे यू नो छोटे मोटे सेब वगैरह। और यहाँ पे भाई हमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी घर की पली हुई एक कैट मिली, जो कि हमने मतलब उसके घर गले में पट्टा भी था, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी वाइट कलर की थी और बहुत ही क्यूट थी। तो और ये हमें कुछ कर भी नहीं रही थी, इसको हाथ लगा रहे थे, हम उठा रहे थे, शेर को इतनी पसंद आई कि शेर ने कहा कि मम्मा हम इसको घर लेके चलते हैं, कि मतलब मुझे बहुत पसंद आई है, बट मम्मा ने ऑब्वियसली मना कर दिया था तो इसलिए। एंड यहाँ पे भाई अंधेरा होने लगा है और हम लोग सोच रहे थे कि भाई के घर जाके खाना खाएं या फिर बाहर जाके यू नो बाहर से खाना खाएं। तो बहुत ही ज़्यादा सोचने और यू नो डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड, फाइनल डिसीजन ये हुआ कि हम लोग जाएंगे बाहर खाना खाने, क्योंकि अब भाई हम लोग काफ़ी अर्से बाहर निकले हैं तो चले ही जाएँ हम लोग, क्योंकि जाते नहीं है वैसे। तो यहाँ पे भाई हम पहुँच चुके हैं काशिफ फूड्स, जो कि जाके हम लोगों ने मेन्यू पढ़ा और मेन्यू के बाद हम लोगों ने डिसाइड किए अपने मतलब की कुछ चीज़ें जो हमें अच्छी लग रही थी। हम लोगों ने भाई मंगवाए, सबसे पहले हम लोगों ने पास्ता मंगवाया। इट वाज़ बाय टेस्ट इट वाज़ गुड, क्योंकि टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा था, बट वो हमें इतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही यू नो हैवी था, और मतलब नो हैवीनेस थी इसके अंदर काफ़ी। सेकेंड हम लोगों ने मंगवाया एक प्लेटर नेम्ड चुल्लू कबाब, एंड ये बहुत ही कमाल प्लेटर था। हम लोगों ने ऐसा प्लेटर कभी नहीं खाया था, प्लेटर खाए हुए थे बट ये वाला फ़र्स्ट टाइम खाया था, एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया हम लोगों को खा के। एंड लास्ट में आते हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट सिंगापुरियन राइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, मैंने अपने लिए मंगवाए थे। चुल्लू कबाब सबके लिए था एंड पास्ता भी सबके लिए था, पास्ता में इतना पसंद नहीं आया। एंड काशिफ फूड्स का इनका खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि खाना भाई मज़े का है तो कुछ भी। एंड मतलब बहुत ही अच्छे, काफ़ी अच्छी यू नो सर्विंग थी इसकी, वो यू काफ़ी कुछ था। एंड यहाँ पे भाई हम लोग खा चुके हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।